बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल फाइन। स्टूडेंट्स, AMS हाई स्कूल क्लास KG इंग्लिश मीडियम का आज उर्दू का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको से के बारे में बताएंगे और से से बनने वाले अल्फाज और उनके जोड़ तोड़। स्टूडेंट्स, हमने बे पे ते टे मुकम्मल कर ली है। आज हमारा वर्ड है हर्फ है से। से से बनने वाले अल्फाज, उनके जोड़ और तोड़ के बारे में बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें से। से की पहचान क्या है? इसके ऊपर 3 डॉट होते हैं। अगर आप देखें तो पे, पे की पहचान ये होती है उसके नीचे 3 डॉट होते हैं। अगर आप नीचे लगा देंगे तो वो पे बन जाएगा, अगर 3 डॉट ऊपर लगाएंगे तो वो से बन जाएगा। से, और ये है से की छोटी शक्ल। से, से से समर, से मिमरे मर समर। समर फल होते हैं जिनमें डिफरेंट फल्स आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं केला है, आड़ू है, अंगूर है, अंजीर है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, डिफरेंट जो इकट्ठे आप किसी भी फलों को इकट्ठा कर लें तो वो हम उन्हें कहेंगे समर। तो डिफरेंट फलों को इकट्ठा कर लें तो हम उन्हें क्या कहेंगे? समर। से मीमरे मर समर, से मीमरे मर समर। से प्लस मीम, मीम प्लस रे, से मीम रे मर। से अलग आएगा और मीम रे मर समर, मीम रे मर समर। सेकेंड वर्ड हमारा है से से सलस, से से सलस। से लाम से लस सलस। सलस क्या होता है? किसी भी चीज़ का तीसरा हिस्सा, यानी कि 1/3 सलस। जैसे ये है, एक उन्होंने सर्कल दिया हुआ है, एक शेप दी हुई है, इनको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 1, 2 एंड 3। तो ये क्या है? सलस। क्या है ये? सलस। से लाम से लस सलस, यानी किसी भी चीज़ का तीसरा हिस्सा। से लाम से लस सलस। अब से अलग आएगा और लाम से लस, लाम से लस सलस। से प्लस लाम प्लस से सलस, से से सलस, से सलस। जी हमारा थर्ड वर्ड है साबुत, साबुत। सेरिसा बेते बस साबत। ये देखिए, ये हाफ है और ये अंडा पूरा है। साबत, हमारी छोटी शक्लें भी इसी तरह से हैं। अगर इसको हम देखें तो ये हमारा से पूरा है, और इसको हम देखें तो ये हमारी से की हाफ शक्ल है। इसी तरह से जैसे ये अंडे को हमने सेंटर में से अलग कर दिया है तो ये इसकी हाफ हाफ एग हो गया है। इस तरह से हम से को जब सेंटर में से अलग कर देंगे तो ये से की हाफ शक्ल बन जाएगी। लेकिन ये अपने पूरे डॉट और हर चीज़ के साथ अलग होगी। ये नहीं है कि आप डॉट ना लगाएं, सिर्फ उसको सेंटर में से हाफ करके आप कहें ये से की हाफ शक्ल है, ऐसे नहीं हो सकता। आपको डॉट लाजमी लगाने हैं। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में आपको बता रही हूँ कि यही इनकी पहचान है, और इसी से पता चलेगा कि ये पे है, ये टे है, ये से है। तो आपने डॉट और टोएं जो भी इनके साथ लगा वो आपने मुकम्मल लिखना है। से साबत, से अलिफ सा बेते बत साबत। अब से अलिफ सा क्या साउंड दे रहा है? बेते बत साबत। से की हाफ शक्ल यहाँ से पूरा, अलिफ मैंने आपको बताया हाफ शक्ल नहीं होती, अलिफ पूरा। प्लस बे की हाफ शक्ल है यहाँ बे पूरा, प्लस ते, ते की हाफ शक्ल होती है, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में बार बार आपको बताया है वो जो हर्फ के लफ्ज़ के एंड पर आए, जो हर्फ लफ्ज़ के आखिर में आए और उस लफ्ज़ को मुकम्मल करता हो तो वो पूरा भी लिखा जा सकता है। जैसे बत्तख था, इसी तरह से साबत है, इस तरह से सलस है। ठीक है, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे तितली में हमने छोटी ये एंड पे पूरी दी थी, लगे तो तितली की भी छोटी शक्ल होती है। तो जो कोई भी हर्फ जो है किसी लफ्ज़ को मुकम्मल कर रहा हो तो एंड पे मुकम्मल लिखा जा सकता है, जबकि इसके साथ कोई और हर्फ ना मैच टच होता हो। से सलस, से लाम, से साबत, से रिसा बेते बत साबत। आज के हमारे लफ्ज थे समर, से मिमरे मर समर। साउंड पे ध्यान दें, से मिमरे मर समर। सलस, से लाम से लस सलस, से लाम से लस सलस। साबत, से रिसा बेते बत साबत। आपने तमाम अल्फाज के जोड़ तोड़ याद करने हैं और मैं आपको लिखना सिखाऊंगी समर, से मिमरे मर समर। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे HW। हम जोड़ तोड़ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए पहले लिखेंगे जीवा जोड़, ऐसा किन जोड़, काबड़ के जोड़ के, तेवा तोड़ ऐसा किन तोड़, लाम खे बड़िए खे नून गुन्ना लिखें, जोड़ के तोड़ लिखें। आज हमने जिस लफ्ज़ के जोड़ के तोड़ लिखने हैं वो है समर।
आपने टेढ़ी लाइन लगानी है, दो थ्री डॉट लगाने हैं नीचे से इसको मीम, और आगे लाइन के ऊपर रे, से मीम रे मर समर, से मीम रे मर समर। फिर आपने टेढ़ी लाइन लगानी है, नीचे से गुलाई करते हुए रे बनाना है, मीम और रे समर, से मीम रे मर समर। टेढ़ी लाइन लगाएं, नीचे से मीम को ले थोड़ा सा आगे बढ़ाकर रे बनाएं मुकम्मल, से मीम रे मर समर। टेढ़ी लाइन लगाएं, नीचे से मीम लें और आगे रे पूरा, से मीम रे मर समर। जी स्टूडेंट्स, बे पे ते टे से तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इनकी अशकाल एक जैसी होती हैं, फेसेस एक जैसी होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है इनके डॉट्स का। आज हमने समर सीखा है, और से सलस और से साबत। आपने समर की प्रैक्टिस करनी है लिखने के तौर पे, और बाकी तमाम लफ्ज़ के जोड़ तोड़ याद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।